वान अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कर लेना ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज के वीडियो का टाइटल होने वाला है पाकिस्तानी रिजेक्ट्स बांग्लादेश हेल्प टू प्रोटेक्ट ग्लोबल इमेज। बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, फ्लड की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है। उसके बाद जो है पाकिस्तान को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो हेल्प कर रही हैं, मतलब कि लोगों ऐसी कंट्रीज भी हेल्प कर रही हैं जो कि पाकिस्तान का जिनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं भी हैं। तो उसी तरह से ईरान ने जैसे टमाटर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए, इसी तरह से जो है बांग्लादेश भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्यों उनको मना कर रहा है और पाकिस्तान क्यों और किस वजह से जो है ना उनको मना करके अपनी जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सो उसको क्यों प्रोटेक्ट और कैसे कर रहा है। सो चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है। सो आप ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए बांग्लादेश से फाइनेंशियल एड मना कर दी, रिजेक्ट कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान रिजेक्ट्स फ्लड रिलीफ डोनेशन वर्थ 1,45,000 डॉलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। नाउ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, 1,45,000 डॉलर्स को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो रफली आप कह सकते हैं 1,15,00,00, 1,16,00,00 के आसपास का अमाउंट बैठता है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी रकम भेज रहा है पाकिस्तान को, कंट्री टू कंट्री बेसिस अगर हम बात करें। मगर बांग्लादेश का मीडिया यहाँ पर यह रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को मेन चिंता थी अपनी ग्लोबल इमेज की, कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान से टूट के अलग हुआ है। और टूटने का रीज़न आपको पता है क्या है? 1970 में बताया जाता है कि बांग्लादेश को एक बहुत ज़्यादा भीषण साइक्लोन ने हिट किया था। ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान से बड़ी हेल्प मांगी, मगर वेस्ट पाकिस्तान ने हेल्प करने से मना कर दिया। तब जाकर शेख मुजीबुर रहमान खड़े हुए, बांग्लादेश के लोगों को यह समझ में आ गया कि खुद का कंट्री इनको चाहिए होगा। और इवेंचुअली हमने देखा कि 1971 वॉर हुई और इंडियन मिलिट्री की डिसाइसिव इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो वो सब हिस्ट्री याद करके पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा कि बांग्लादेश से ये आज के समय एड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए अभी पाकिस्तान ने ये एड नहीं ली है, इवन दो यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कह चुका है कि पाकिस्तान में 16 मिलियन मतलब कि 1,60,00,000 बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है, इनकी एजुकेशन, इनका घर बार सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और टोटल लॉसेस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लॉसेस 40 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा सकते हैं, ये पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद कैलकुलेट किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प क्यों ठुकरा दी। और आप जान के हैरान होंगे कि एक टाइम था 2004 से लेकर आप कह सकते हैं 2021 तक, जब भारत ने भी 16 साल तक कोई भी फॉरेन एड एक्सेप्ट नहीं करी थी। फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी तो भारत ने भी 16 साल तक फॉरेन एड एक्सेप्ट क्यों नहीं करी। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन एड का क्या रिलेशन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। कई हफ्तों के बाद अनअकैडमी एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट करवाता है। इस इवेंट में सिर्फ पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आपको इनाम मिल सकता है, एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। पिछले महीने आप अगर देखो तो प्रियांशु, कृष्णा और आशीष ये सब विनर्स थे अनअकैडमी के कॉम्बैट के। और अब ये जो इवेंट है ये कल 11 बजे फिर से होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक सिंपल ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी लेवल का टेस्ट होगा। बस आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन सही होते हैं गलत होते हैं डज नॉट मैटर, सिर्फ अटेम्प्ट करने मात्र से ही आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइसेस फ्रॉम अनअकैडमी। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जो वीडियो भी आप देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा एक लिंक, लिखा होगा अटेम्प्ट दिस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट,
कोई पैसे यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। इस लिंक पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो प्रोसेस थोड़ा सा आसान रहता है मोबाइल फोन में। बाकी आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे हो तो आपको इतनी आवश्यकता होगी नहीं आपकी। तो खैर सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर और फिर नीचे आपको ये दिख जाएगा 18 सितंबर मतलब के कल सुबह 11 बजे आपका ये टेस्ट होगा। आपको करना है एनरोल पर क्लिक। आपको एनरोल करने के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी होगी। कोड भी आपसे मांगेंगे। कोड यहाँ पे आप डालिएगा PG10 क्योंकि ये टेस्ट मैंने भी तैयार किया है। बहुत से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे तैयार किए हुए आपको मिलेंगे और पूरे भारत में हजारों बच्चे आपके साथ मिलकर हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यू विल फील के UPSC लेवल के क्वेश्चंस ऑनलाइन अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस क्या होता है। और अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा डज नॉट मैटर, आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं सारे गलत होते हैं। रैंडमली 250 लकी विनर्स को एक लकी ड्रॉ में डाल दिया जाएगा और उनको मिल जाएंगे ढेर सारे प्राइजेस। तो कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच में टेस्ट है लाइव। अगर 11 से 12 के बीच में आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आपको प्राइजेस मिलेंगे। बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो प्राइजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो गुड लक फॉर टुमारो, एनरोल करिए इस टेस्ट को। कल 11 बजे ये टेस्ट होगा। ना जब हम बात करते हैं ना फॉरेन एड की, ना फॉरेन एड से आप समझ पा रहे होंगे कि आप बस पैसे दे रहे हो, ये लोन का पैसा नहीं है, ये पैसा आपको वापस नहीं आने वाला, ये बस दान है। इसको लेकर इंडिया में और इवन बाकी कंट्रीज में बहुत डिबेट होता है। अब मैं वैसे आपको बताता हूँ, जब भी भारत में कुछ हम अकॉम्प्लिश करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कुछ हम बनाते हैं या फिर इकोनॉमी में आगे निकलते हैं, इसरो कुछ भी करता है, UK से सिर्फ एक बात आती है, हम उनको फाइनेंशियल एड क्यों देते हैं। जबकि UK बहुत ज़्यादा कम कुछ मिलियन डॉलर्स फाइनेंशियल एड देता है, वो भी डायरेक्टली भारत सरकार को नहीं। इनके बहुत सारे जो NGO हैं इंडिया में वो ये सब काम करते हैं इनकी एड पर। तो हमेशा आप देखोगे UK में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये पूछते हैं इनकी सरकार से कि जब इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया तो इंडिया को हम फाइनेंशियल एड क्यों देते हैं। बीच में आपको याद होगा UK ने एक तर्क निकाला था कि इंडिया ने 330 मिलियन डॉलर का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया। UK ने 1.1 बिलियन पाउंड दिए थे इंडिया को। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं 2012 से लेकर 2016-17 के टाइम की। फिर इवन रिसेंटली मैं देख रहा था जब इंडिया ने UK को सरपास कर दिया तो ज़्यादातर ब्रिटेन्स जलन के मारे या फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे ये लिखते हैं कि इंडिया को अभी भी हम फॉरेन एड क्यों दे रहे हैं, उनको फॉरेन एड देना बंद करो, खुद पे खर्चो, उनको पैसा मत दो। जबकि आप जान के हैरान होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में एक आप कह लीजिए अनस्पोकन पॉलिसी बना दी थी। ये पॉलिसी ये थी कि भारत सरकार डायरेक्टली किसी देश से फॉरेन एड नहीं लेगा। ये हमने शुरू किया था 2004 सुनामी के बाद। 2004 में सुनामी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम इस सुनामी से रिकवर अपने दम पे कर लेंगे, किसी देश की हमको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल आपको दिखेगा 2004 का, गवर्नमेंट रिफ्यूजेस फॉरेन एड टू फाइट डिजास्टर। और उसके बाद एक के बाद एक डिजास्टर हुए, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई 2013 में, उससे पहले कश्मीर में भूकंप आ गया था 2005 में, कश्मीर में फ्लड्स भी आए थे 2014 में। मगर इंडिया ने इन सब डिजास्टर्स के बाद भी चाहे रशिया हो चाहे इजराइल हो USA हो डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन एड नहीं ली। और तो और ये वो टाइम है जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी साहब, इन्होंने डायरेक्टली UK के मीडिया को कह दिया कि तुम फॉरेन एड क्या करते रहते हो, नहीं चाहिए तुम्हारी फॉरेन एड, तुम्हारी फॉरेन एड पीनट्स की तरह है, मूंगफली है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मिलियन डॉलर्स देते हो और उसके बाद बोलते इतना हो कि हमने फॉरेन एड दे दी जैसे कुछ एहसान कर रहे हो हम पे। और यहाँ पे आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि भारत ने फॉरेन एड मना कर दी थी नेशनल प्राइड के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही अच्छा द हिंदू का आपको आर्टिकल दिखेगा प्राइड एंड फॉरेन एड, इसको पढ़िएगा। 2018 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आज से 4 साल पहले। यहाँ पर लिखा है कि बिल्कुल भारत ने फॉरेन एड नेशनल प्राइड के इशू को लेकर रोक दी कि हमको कोई ये क्यों कहे कि हम गरीब देश है, हमें हेल्प चाहिए, हम स्ट्रांग हो गए हैं। अब देखिए हमें एज ए कंट्री कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि इकोनॉमिकली हमको बहुत ज्यादा लूटा गया, प्लंडर किया गया हमारी इकोनॉमी को, हमारा जो एक देश हुआ करता रहा उसको बांट दिया गया। और फिर जिन कंट्रीज ने हम पर राज किया था वो अगर हमको ये कह दे कि शायद हमको फॉरेन एड तुम्हें नहीं देनी चाहिए तो कहीं ना कहीं एक कंट्री का स्वाभिमान जागता है, वो कंट्री कहता है कि खुद करेंगे, खुद खड़े होंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन एड। मगर याद रखिएगा ये सब जो सेंटिमेंट है ना ये किसी यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अच्छे लगते हैं, कहीं ट्विटर वगैरह पे कोई आदमी ऐसी कोई लिख रहा हो वहाँ पे अच्छे लगते हैं, इमोशंस वगैरह बह रहे हैं। बट कंट्री लेवल पे ना आपको रैशनल होना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और बड़े देश आप देखोगे प्रैक्टिकल है, रैशनल है,
इंडिया ने बाद में ये भी देखा कि यूएसए में जब हरिकेन कैटरीना आया 2005 में और इंडिया ने कुछ एड सेंड करी यूएसए को, यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया। यूएसए ने ये नहीं कहा कि तुम गरीब कंट्री तुम क्या हमारी हेल्प करोगे, यूएसए ने कहा कि ओके थैंक यू एड ले ली। चाइना के यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2008 में, चाइना हमसे उस वक्त भी काफ़ी आगे था, अब तो खैर बहुत आगे निकल गया मगर उस वक्त भी चाइना बहुत आगे था हमसे। चाइना ने भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमारे तुमसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, तुम क्या हमारी हेल्प करोगे, चाइना ने भी एड ले ली। और ये देखिए आप कह लीजिए ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक सिंपल पॉलिसी है कि अगर आपके यहाँ डिज़ास्टर आया है और कोई कंट्री आपको एड दे रहा है, अनलेस उस कंट्री के साथ कोई बहुत आपकी यू नो वॉर चल रही हो, दुश्मनी हो, वो अलग केस होता है, मगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंट्रीज एड एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे दी जा रही है। ये जो पॉलिसी है ना कि फॉरेन एड हम नहीं लेंगे सरकारों से, ये तोड़ी थी 16 साल बाद 2021 में जब भारत में कोविड बहुत ज़रा फैल गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे 2021 का आर्टिकल है कि इंडिया ओपन टू फॉरेन एड, ओके टू बाइंग फ्रॉम चाइना, हमने फॉरेन एड एक्सेप्ट करी, फ्रांस है, यूएई से, आपको याद होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर आए थे, कोविड 19 की डोनेशंस आई, सरकार ने कहा ठीक है पेंडेमिक फैल गया है क्या करें। और फिर जैसे मैंने आपको बताया यूएसए भी इंडिया से एड एक्सेप्ट कर रहा था, फ्रांस भी एक्सेप्ट कर रहा था अपने टाइम में, सब कंट्रीज ने एक न एक लेवल पे आकर एक दूसरे की हेल्प करी। नाउ अगर हम पाकिस्तान का केस देखें तो ये एक बहुत ही यूनिक केस आपको दिखेगा। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी कोई हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठे तो या तो अगर वो पाकिस्तानी नहीं है उसको हंसी आएगी, अगर वो पाकिस्तानी है तो वो डिप्रेस हो जाएगा। और इवन पाकिस्तान के करंट पीएम भी आप अगर देखो हफ्ते में एक बार अपनी आवाम अपनी जनता को ये याद दिला देते हैं वी आर बेगर्स, आई मीन लिटरली इन्होंने रिसेंटली कह दिया था कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये भी कहते हैं ये भी सोचते हैं कि हम बेगर्स हैं। ये ऐसे देखो ब्लंट भाषा बोलने वाला पीएम मैंने पहली बार देखा है जो बार बार याद दिलाता है अपनी जनता को कि भिखारी भिखारी कटोरा। और कहीं ना कहीं देखिए इसका इम्पैक्ट एक कंट्री के मोराल पर भी पड़ता है। ठीक है आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें तो उनका कंट्री एक बहुत ज़्यादा खराब टाइम से गुजर रहा है, उनकी जनता को गुस्सा अपनी आर्मी पर कि आर्मी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। उनके एक बड़े नेता द्वारा पाकिस्तान की जनता को यही बताया जा रहा है कि यूएसए ने तख्ता पलट कर दिया उनके देश में। तो पाकिस्तानी मिलिट्री को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लग रहा होगा कि इनके देश को मोराल बूस्ट की आवश्यकता है, मगर इन्होंने मोराल बूस्ट करने का जो तरीका चुना है बहुत अजीब है कि बांग्लादेश है जो एड आ रही है ये एक्सेप्ट मत करो, इससे हमको और छोटा होने वाली फीलिंग आएगी। उसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये भी कह दिया कि हम तो जी इंडिया से भी जो एड है हमने मांगी नहीं है। ये जो ऐसे डायलॉग होते हैं ये सूट करते हैं बहुत ज़रा स्ट्रांग कंट्री को जो बिल्कुल यू नो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है हेल्प की। पाकिस्तान में लिटरली WHO ने वार्निंग दे दी है कि कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर फूड शॉर्टेज होगी। ये देखिएगा अभी एक दो हफ्ते रुक जाइए, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होंगे, कई आर्टिकल पब्लिश होंगे कि पाकिस्तान में खाने की कमी है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है क्योंकि जो इनकी फसलें हैं बर्बाद हो चुकी है, बीमारियां तेजी से यहाँ पर फैलेगी, डेंगू वगैरह बहुत तेजी से यहाँ पर फैलेगा क्योंकि बेसिकली ज़्यादा पाकिस्तानी डूब चुका है। मगर ऐसे टाइम में भी इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनकी गवर्नमेंट ना बांग्लादेश से एड ले रही है, साथ में ओपनली ये भी कह रही है कि इंडिया से हमने हेल्प नहीं मांगी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया का कल को मन भी होगा ना हेल्प करने का, हम भी सोचेंगे अब इनको हेल्प ऑफर करें या ना करें क्योंकि इनका मूड तो लग रहा है कि ये बांग्लादेश की तरह हमारी हेल्प भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि नेशनल प्राइड या कुछ हद तक मैं कहूँगा पाकिस्तान प्राइड से एक दो कदम आगे बढ़कर ईगो वाली श्रेणी में आ चुका है कि क्या ईगो इनकी इतनी ज़रा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए ये अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सफ़र कराएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो रीजन के ही देश हैं जिनके साथ आपके पूर्वजों ने कई सदियां बिताई थी वहाँ के लोगों से आप कुछ हेल्प लोगे या नहीं लोगे, ये अगेन ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान की सरकार के सामने और इनकी आर्मी के सामने। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया रीइंट्रोड्यूस करने वाला है चीताज फ्रॉम नामीबिया किस नेशनल पार्क में। अच्छा मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो नामीबिया से चीते यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से पाकिस्तान अगर वहाँ से ऐड नहीं ले रहा, चलो इट्स ऑल अप टू पाकिस्तान के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस वक्त मालूम है कि कंडीशन जो है पाकिस्तान की इस वक्त इस तरह की है कि जितनी भी मदद हो सके दूसरी कंट्रीज से तो वो हमें लेनी चाहिए। फिर वो चाहे टमाटर हो तो चाहे वो फिर पैसों की सूरत में हो या किसी भी सूरत में अगर वो हेल्प मिल रही है तो उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए।
बांग्लादेश ने, चलो अगर उन्होंने बांग्लादेश ने मदद करने का सोचा है तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग एक जो है उस कंट्री से हेल्प ले रहे हैं जिस कंट्री से हम सेपरेट हुए थे 1971 में। मुझे लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी होगी कि हम सिर्फ ये सोच कर बांग्लादेश से हेल्प ना लें, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग फिर मुश्किल वक्त में हर किसी से मदद मांगते हैं और मदद लेते भी हैं, ज़रूरत के वक्त काम आ ही जाता है कोई ना कोई। इंडिया के साथ भी अगर इंडिया आपको हेल्प कर रहा है तो हमें इस चीज़ में जो है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, इंडिया के साथ हमारे मुख्तलाफात एक तरफ, लेकिन अगर वो हमें कुछ हेल्प कर रहा है किसी चीज़ में सो उसकी हेल्प को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो है हमें इससे फ़ायदा हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर हम देखें तो जो ये हम टमाटर की अगर बात कर लें तो आप देखो कि ईरान में, ईरान वाले अगर हमें हेल्प कर रहे हैं तो ईरान से तो हमारा कोई पर्सनली ऐसा कोई इशू है ही नहीं। इशू तो हमें, चलो ठीक है, समझ आता है कि बांग्लादेश के साथ है, समझ आता है इंडिया के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के, ईरान के साथ तो यार हमारा दूर दूर तक कोई इशू नहीं है। तो भी वहाँ से अगर हमें टमाटर मिल रहे हैं जो कि पहले थोड़े महंगे मिल रहे थे इस सिचुएशन के बाद, फिर उसके बाद जब ईरान से टमाटर आया तो उसकी प्राइस अभी कम हो गई है, मतलब कि 160 के जी हो गए हैं। ठीक है, 160-150 में हमें मिल जाते हैं, अभी भी महंगे हैं बट ठीक है, 400-300 वाले कॉन्सेप्ट से कम हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर टमाटरों को भी उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि वो ईरान से आए थे, और उसके ऊपर नाम ये लगाया जा रहा है कि भाई ये सुन्नी और मुस्लिम और जो है वो शिया वाला कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि टमाटर जो है उसका मज़हब जो है वो शिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये एटीट्यूड इस तरह का रखना बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ कि ये पब्लिक जो है जो इस वक्त इन क्राइसिस से गुजर रही है उनके लिए, उनकी हेल्थ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा और उनकी जेब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है इन फ्यूचर। अगर इस पे जो है अगर इस तरह की सिचुएशन चलती रही कि भाई हमने इसराइल से नहीं हेल्प लेनी क्योंकि इसराइल तो ऐसा है, इसराइल से तो हमारी बात नहीं है, जबकि इसराइल ने भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हेल्प की है ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी अभी, और उसके बाद फिर जबकि ऐसे वक्त में जब इसराइल से तो हमारे वहाँ पर तो जाना भी अलाउ नहीं, हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन इसराइल। ठीक है, और ना ही उनको अलाउ है हमारी कंट्री में आना। तो विच मीन इज दैट कि अगर ऐसी कंट्री से भी हम कुछ ले रहे हैं तो फिर जब ऐसी कंट्री से हम ले सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बांग्लादेश से ले सकते, फिर हम क्यों नहीं इंडिया से ले सकते हेल्प। तो हेल्प लेने में तो कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया मदद कर रही है, तो वहाँ पर अगर इंडिया कर देती है तो इसमें क्या बुराई है, और अगर अफगानिस्तान या कोई भी कंट्री हेल्प करती है तो हमें उनकी हेल्प को एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसमें कीड़े निकालें कि भाई उन्होंने हमारी हेल्प क्यों की है, हमें नहीं लेनी है, एटीट्यूड दिखाएं, ईगो दिखाएं। तो इससे फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, सिर्फ आवाम को पड़ेगा और उनको पड़ेगा जो इस वक्त इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, और वैसे ही कंडीशन अभी ख़राब होने वाली है, लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, फ्लड जहाँ पर आया हुआ वहाँ पर लोगों को स्किन एलर्जीज हो रही हैं, जाहिर सी बात है पानी है, फिर जर्म्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उनके हिसाब से जितना जल्दी हो इसको सेट करना होगा, अदरवाइज़ और ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी, इस तरह शहरों में भी ये बीमारियाँ आएँगी और जो है सारे इफ़ेक्टेड होंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है दोस्तों, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी नॉलेजेबल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बताएं क्या इंडिया को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए या फिर पाकिस्तान ने सही किया बांग्लादेश से हेल्प लेने से इनकार करके, या फिर बांग्लादेश को हेल्प करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। इनके आंसर आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी आप लोगों की राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।